सबसे पहले हम इस बाइक को ऑन करके इसका एक जोर साउंड सुन लेते हैं, क्योंकि स्विच ऑन है। और अभी हम सबसे पहले बाइक को ऑफ कर देते हैं। सो दोस्तों, आज हमारे पास है 200 सीसी की मोस्ट पॉपुलर बाइक, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक, एंड साथ में फीचर लोडेड भी है, और साथ में इस बाइक का लुक भी गजब का है। आज हम इस बाइक के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। इस बाइक का नाम है बजाज की पल्सर RS 200। इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस आपको एक्स शोरूम पड़ने वाली है 1,62,000 के आसपास, और आपको ये विद एसेसरीज ऑन रोड पड़ जाएगी 1,95,000 के आसपास। इस शोरूम का कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और ये शोरूम का नाम है पाइनर बाजार, जो कि आपको पड़ने वाला है मुंबई में अंधेरी ईस्ट साकी नाका के पास में। तो अभी हम जान लेते हैं इस बाइक के बारे में, क्यों इतनी ये पॉपुलर है, साथ में वैल्यू फॉर मनी बाइक है, और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सो टाइम न लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस बाइक के फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। इस बाइक का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको विंडशील्ड मिल जाएगी, जो कि आपको विंड ब्लास्ट से बचाएगी, और ये रहे इसके मिरर, जो कि काफ़ी स्टाइलिश आते हैं, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। बाकी सामने का डिजाइन आप देख सकते हो। और इसकी हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगी, जिसमें आपको अच्छा थ्रो मिलने वाला रात के समय में। साथ में DRL है, जो कि LED है, बहुत ही कड़क दिखते हैं जब ये ऑन होते हैं। और इंडिकेटर की बात करें तो भी आपको LED मिल जाते हैं। अभी हम इसकी हेडलाइट सबसे पहले ऑन करके देख लेते हैं। सो अभी हम चलते हैं बाइक की के पास। सो ये रही इस बाइक की आपको कुछ ऐसे मिलने वाली। अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, और ये किल स्विच अभी स्टार्ट कर लेते हैं और सामने चल के देख लेते हैं। सो ये रही हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, और DRL आप देख सकते हो। और अभी मैं हाई बीम ऑन कर देता हूँ। सो ये रहा हाई बीम पे आपको अच्छा खासा थ्रो मिलने वाला है। और इंडिकेटर भी हम देख लेते हैं ऑन करके। सो ये रहा इंडिकेटर, और अभी हम चलते हैं टेल वाले सेक्शन पे और इसकी टेल लाइट देख लेते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है, आप लोगों को भी पसंद आएगी। ये देखो टेल लाइट बहुत ही गजब की दिखती है ऑन होने के बाद। इसका फ्रंट का व्यू और रियर का व्यू देखने में बहुत ही गजब का दिखता है। अभी हम बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका टेल लाइट किसको किसको पसंद आया। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा इसकी हेडलाइट ऑन होने के बाद कैसी दिखती है, और अभी हम बात कर लेते हैं इसके मडगार्ड की। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रीमियम लुक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश की फिनिशिंग देखने को मिलती है। और इस बाइक का साइड प्रोफाइल सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर से बाइक लेफ्ट साइड से कुछ ऐसी दिखने वाली है, और अभी हम चलते हैं राइट साइड में देख लेते हैं। सो राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, आपको सेम डिज़ाइन मिल जाता है। और एक बार फिर से मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखा देता हूँ, और लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नेट जैसा डिज़ाइन एंड स्टिक वर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि आप देख ही रहे हो। और रियर का पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर का ये है, यहाँ पे अंदर की तरफ रियर में आपको मिल जाएगा नाइट्रोक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर, जो कि एक अच्छा सस्पेंशन मिलता है। आपको अच्छा खासा कम्फर्ट मिलने वाला जब आप राइड करोगे। और भी बात कर लेते हैं इसके टायर के। सबसे पहले आपको इस बाइक में ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। ब्रांड की बात करें तो आपको MRR ब्रांड का टायर मिलने वाला है। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको टायर साइज मिल जाएगी 100x80 की। और रियर की बात करें तो रियर का मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा, रियर में आपको थोड़ा वाइडर टायर देखने को मिलेगा। रियर में आपको टायर साइज मिलने वाली 130x70। और भी इसका एक प्लस पॉइंट है, रियर का टायर आपको रेडियल मिल जाता है। रेडियल से हमें फायदा क्या होता है, ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझा देता हूँ। रेडियल टायर एक्चुअली बीच में हार्ड होता है एंड साइड साइड सॉफ्ट होता है। जब हम कॉर्निंग पे बाइक को थोड़ा तिरछा होकर चलाते हैं तो ये सड़क को एकदम पकड़ के चलता है। ऐसी बाइक झुकने पे भी हमारी बाइक स्किड या फिर फिसलती नहीं है, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। और रेस ट्रैक पे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है इस बाइक में। और भी इस बाइक की खूबियां हम वीडियो में जानने वाले हैं। और इसकी व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाएगी, जिसकी साइज आपको फ्रंट एंड रियर में सेम ही देखने को मिलेगी, 17 इंच। और मुझे इस बाइक का व्हील का डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही आपको NS में मिलता है, एंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुई N में भी है, और इसमें भी है, काफी स्टाइलिश दिखता है। और इसमें आपको व्हाइट कलर के मिलते हैं, और दूसरी एक ग्रे कलर आती है, उसमें आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, और एक और रेड कलर के हैं, उसमें भी व्हाइट है, लेकिन इसमें ये व्हाइट कलर है, तो इसमें ये व्हाइट जो है मैच कर रहा है। और रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और भी बात कर लेते हैं इसके ब्रेक की। आपको डुअल डिस्क मिल जाता है, जो कि वेंटिलेटेड डिस्क रहने वाले हैं। साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको 300mm का मिल जाएगा, और रियर में आपको 230mm का। और साथ में आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। आज के टाइम पे हर एक बाइक में डुअल चैनल ABS होना ही चाहिए। अभी हम इसके डिजाइन एंड ग्राफिक्स की
बात कर लेते हैं। इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, आपको ऐसा नेट जैसा टेक्सचर मिल जाएगा, साथ में स्टिकर वर्क और ये कुछ ऐसा डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, सबको पसंद आने वाला है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ टेक्सचर जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक ऐड करता है, और यहाँ पे आपको 200 तरीके से अलग ही स्टिकर वर्क किया गया है जो कि देखने में काफ़ी गजब का दिखता है। रेड का थोड़ा यहाँ पे शेडो कर दिया गया है एंड रेड एंड वाइट। बाकी ये रहा इसका इंजन काउल, आप देख सकते हो। और कूलिंग सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें लिक्विड कूल मिलने वाला जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और जो हीटिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। और इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, ये रहा इस बाइक का इंजन। इंजन के बारे में आगे हम बात करेंगे डिटेल से। और यहाँ पे आपको लेग सपोर्ट के लिए एक रबर फिनिश में ऐसा कुछ पैड दिया गया है और नेट वाली डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और टैंक पे देख सकते हो यहाँ तक आपको ऐसा सॉफ्ट टच दिया गया है ताकि आपका लेग सपोर्ट अच्छे से हो और बहुत ही कम्फर्टेबल तरीके से आप बैठ सकूँ। और यहाँ की बात करें तो ये रहा आपका प्लेन राइडर फुटेज जो कि फोल्डेबल है राइडर फुटेज। ये रहा गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, पहला आपका नीचे लगेगा बाकी के 4 ऊपर लगने वाले। इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, ये पहले शायद RS में नहीं आता था लेकिन अभी अभी दे दिया गया है। इसमें आपको साइड स्टैंड सेंसर मिलता है, डुअल स्टैंड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो ये रही इस बाइक की चैन ड्राइव, आप देख सकते हो। इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको छोटा सा सारी गार्ड मिल जाएगा विदाउट लेडीज फुटरेस्ट। और इसके टायर हैगर की बात करें तो ये रहा इसका टायर हैगर। इसके ऊपर भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश की फिनिशिंग देखने को मिलेगी जो कि थोड़ा प्रीमियम लुक ऐड कर रही है। और सीट काउल की बात करें तो यहाँ पे आपको सीट खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा, किसे आप ओपन कर सकते हो। और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्टिकर वर्क मिल जाएगा RS 200 की ब्रांडिंग जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एज अ ग्रैब रेल आप इस गैप को यूज कर सकते हो। और ये रहा रियर का इंडिकेटर, बाकी हम बाद में बात करेंगे रियर के व्यू की। और अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इस बाइक के इंजन की। और मैं आपको बता दूं इसका इंजन काफी दमदार मिलता है, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इंजन की बात करें तो आपको मिलने वाला 199.5 सीसी का, जिसकी पावर आपको मिल जाएगी 24.5 पीएस एट 9750 आरपीएम और आपको टॉर्क मिल जाएगी 18.7 न्यूटन मीटर एट 8000 आरपीएम। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व लिक्विड कूल, आपको कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल मिलता है और साथ में आपको मिल जाएगा AFI विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, टॉप स्पीड भी आपको अच्छी मिल जाएगी। टॉप स्पीड की बात करें तो आपको 160 प्लस मिलने वाली है। सो ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, लेफ्ट साइड से ऐसे कुछ दिखने वाली है। और अभी हम रियर साइड में चलेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड भी देखेंगे कैसी दिखती है और ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता हूं। इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। और दोस्तों अभी हम चलते हैं इसके रियर वाले सेक्शन पे और इसके टेल सेक्शन की बात कर लेते हैं और देखते हैं रियर से बाइक कैसी दिखती है। सो दोस्तों ये रहा इस बाइक के रियर साइड का व्यू, रियर साइड से ये बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है। ये रही इसकी टेल लैंप जो कि सबको पसंद आती है, आपको LED मिल जाएगी। और ये रहे इंडिकेटर आप देख ही रहे हो, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगेगा। और ये रहा आपका रिफ्लेक्टर और टायर अगर आप देख सकते हो। और भी हम चलते हैं इस बाइक के राइट साइड में और देखते हैं राइट साइड से बाइक कैसी दिखती है। राइट साइड से सीट कवर कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आपको सेम स्टिकर वर्क मिल जाएगा जैसे हमने उधर देखा था। बाकी ये रहा आपका व्हील वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है और इसका साउंड भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये रहा आपका राइडर फुटरेस, ये रहा पिलियन राइडर फुटरेस और ये रहा आपका गियर पैड। ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू, राइट साइड से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट के बारे में, कम्फर्ट के बारे में, साथ में फ्यूल टैंक, माइलेज, एमीटर कंसोल के बारे में। सो ये रही इस बाइक की सीट, आपको कुछ ऐसी सीट मिल जाएगी। आपको स्प्लिट सीट मिलने वाली जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल रहने वाली है राइडर के लिए एंड पिलियन राइडर को थोड़ा ओके टाइप का कम्फर्ट मिलेगा। आपको एज अ ग्रेबल यहाँ पे गैप मिल जाएगा, इसे आप यूज कर सकते हो। बाकी आप लोगों ने टेल सेक्शन देखा ही। अभी हम इस बाइक के कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। राइडर को तो अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा, पिलियन राइडर को ओके टाइप का मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे हाईवे पे चलाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी हैवी वेट की वजह से, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है ताकि जब आप राइड करो थोड़ा झुक करके अच्छी स्पीड लेना चाहो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कंफर्टेबल होकर आप चला सको। और भी बात कर लेते हैं इसके टैंक की। ये रहा इसका टैंक, देख सकते हो यहाँ पे आपको पल्सर लिखा मिल जाएगा 3D में। ये आपको दोनों तरफ मिलने वाला है लेकिन ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ में मिलने वाला है। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 30 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा और इसकी माइलेज की बात करें तो आपको माइलेज अप्रोक्स मेरे हिसाब से मिल जाएगी 35 के आसपास। बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो और जिसके पास ये बाइक है कितनी माइलेज मिल रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की जो कि काफ़ी स्टाइलिश आता है लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस होने चाहिए। अभी जो रिसेंटली आई है N250 वैसा कुछ मीटर कंसोल आ जाए तो मज़ा आ जाए। चलो हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। सो ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आपको एनालॉग मिल जाएगा थोड़ा सा एंड डिजिटल भी मिल जाता है। ये आपका RPM, फ्यूल, ABS की लाइट, बजाज का लोगो, इंजन ऑयल, टेम्परेचर, बैटरी, न्यूट्रल, इंडिकेटर एंड यहाँ पे आपका स्पीड, ओडोमीटर, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली। RPM लिमिट यहाँ पे इंडिकेट करेगी एंड सेट रिसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्सचर देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा प्रीमियम लुक ऐड कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको ऐसा सिंपल सा ब्लैक मैट फिनिश मिल जाएगा। और भी बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार की। ये आपका हो गया थ्रोटल, किल स्विच हो गई आपकी, आपका
सेल्फ का ऑप्शन, ये आपका क्लच लीवर ब्रेक लीवर हो गया। और इसमें आपको क्लिप एंड हैंडल बार मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिश दिखते और आपको अच्छा खासा कंफर्ट प्रदान करते हैं जब आप राइड करते हो तो। और इधर की स्विचेस की बात करें तो आपका अपर डिपर इंडिकेटर, या आपका हॉर्न हो गया, या आपका अपर डिपर, यहाँ पे आपका पासिंग का हो गया, या आपका हो गया क्लच लीवर। इसमें एक्चुअली स्लीपर क्लच नहीं मिलता, लेकिन अगर स्लीपर क्लच मिल जाए तो और अच्छी हो जाए बाइक। सो दोस्तों अभी हम इसके थोड़े बहुत डायमेंशन जान लेते हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो आपको मिल जाएगी 1999 mm, आपको विड्थ मिल जाएगी 765 mm, इसकी हाइट है 1114 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला 157 mm, इसका व्हील बेस है 1345 mm, और इसका वेट है 166 kg। कलर ऑप्शन की बात करें तो ये बाइक 3 कलर ऑप्शन में आती है, पहले आपको व्हाइट मिल जाएगी, दूसरा आपको ग्रे मिल जाएगी, और तीसरा आपको रेड मिलने वाली है। सो 3 कलर ऑप्शन में ये बाइक आती है। और अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, क्यों ये बाइक हमें लेनी चाहिए, क्यों ये बाइक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, साथ में फीचर लोडेड भी बाइक है और सबको पसंद आता है। आपको इस प्राइस में कोई दूसरी कंपनी 200cc की ऐसी बाइक नहीं देती इतने सारे फीचर के साथ में। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, साथ में अच्छी खासी पावर मिल जाती है, साथ में रियर में आपको रेडियल टायर मिल जाता है, और लुक तो अच्छा है ही, और भी बहुत सारी इसकी खास बातें हैं। इसलिए ये बाइक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है 200cc की। आपको इतनी सस्ती कोई और 200cc की बाइक देखने को मिलेगी नहीं इंडियन मार्केट में, आपको सिर्फ यही बाइक मिलेगी इस प्राइस रेंज के आसपास 200cc की। इस प्राइस में तो आपको 150cc की बाइक मिलती है, इससे ज्यादा बल्कि प्राइस है उसकी। जैसे यमाहा की R15 देख लो, उसकी 1 लाख+ प्राइस जाने वाली, लेकिन फीचर्स भी उसमें ज्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन प्राइस भी तो ज्यादा है, वो भी आप ध्यान दो। लेकिन आपको टॉप स्पीड इसमें ज्यादा मिलेगी उसकी कंपेरिजन में। टॉप स्पीड की बात करें तो आपको 165 के आसपास टॉप स्पीड मिल जाती है इसमें, उसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है 150 के आसपास। सो मेरा ओपिनियन यही है, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ 200cc की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक यही है। आप लोग बताओ आप लोग क्या ओपिनियन है। और स्टाइलिश तो काफ़ी है, ये देखने में सबको पसंद आती है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इंजन अच्छा मिल ही जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी, और इस बाइक को किस पर्पज़ के हिसाब से आप खरीदना चाहते हो। जिनका बजट थोड़ा कम है और 200cc की उनको बाइक चाहिए जिसमें उनको अच्छी खासी पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, साथ में लुक भी अच्छा चाहिए, सो ये बाइक उनके लिए परफेक्ट रहने वाले। इस बाइक की तरफ वो आसानी से जा सकते हैं, इसमें आपको लुक अच्छा मिल जाएगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, साथ में आपको फीचर्स भी अच्छे मिलने वाले। ऐसी बात नहीं कि आप फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हों। इस प्राइस पैकेज में तो आपको सिर्फ ये की बाइक मिलती है, ओनली वन RS 200। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी, और किसके किसके पास ये बाइक है, और किसने किसने ये बाइक चलाई है, और इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग ये भी शेयर करना। सो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।